हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के ड्राइंग टेक्निक में हम स्टडी करेंगे हाउ टू बाइसेक्ट अ स्ट्रेट लाइन एंड अ कर्व। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने इसके पहले के ड्राइंग के सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फाइनली आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें स्टडी करना है हाउ टू बाइसेक्ट अ स्ट्रेट लाइन एंड अ कर्व। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहां पे एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लिया है। तो ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन ए बी, इसको हमें बाइसेक्ट करना है। उसी तरह से राइट साइड में ये कर्व दिख रहा है, कर्व ए बी। ये कर्व ड्रॉ करने के लिए हमने कंपास को ओ पॉइंट पे रखे थे और ये कर्व को भी हमें बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या? तो बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और ये बाइसेक्ट करने के लिए हम यहां पे कंपास का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें लाइन को बाइसेक्ट करना है। तो लाइन आपके सामने, तो कंपास में कुछ लेंथ ले लो, कितना भी लेंथ ले लो, लेकिन ये लेंथ जो है वो स्ट्रेट लाइन एबी के आधे से ज्यादा होना चाहिए। इट मींस मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ लाइन एबी। लाइन एबी का जो भी हाफ लेंथ होगा उससे ज्यादा का लेंथ आपको कंपास में लेना है, ये बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए, कंपास में हमने आधे से ज्यादा लेंथ हमने कंपास में ले लिए और अब कंपास का पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन एबी के एंड ए पे रखना है। तो देखिए, एंड ए पे हमने कंपास का एक पॉइंट रखे और बीच में एक आर्क हम बनाएंगे। तो ये देखिए, ऊपर में हमने एक आर्क बनाया और उतना ही लेंथ का यूज करके हम नीचे भी आर्क बनाएंगे, ठीक है। और अब उतना ही लेंथ कंपास का सेंटर हम यहां पे बी पे रखेंगे। देखिए, लाइन ए बी पे बी पे रखे हैं और ऊपर जो हमने आर्क बनाए थे उसके ऊपर आपको क्रॉस कराना है। तो देखिए, ऊपर क्रॉस कराने से ऊपर एक पॉइंट मिल गया, पॉइंट पी, और नीचे एक पॉइंट मिल गया, पॉइंट क्यू। ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन। तो ये देखिए, ये जो लाइन है ये ए बी पे जहां पे बीच में कट रहा है उसको हम पॉइंट ई कहेंगे, और ये जो लाइन है, लाइन का नाम हमने पी क्यू दिए थे। ये लाइन पी क्यू लाइन ए बी पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, इट मींस वो लाइन AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइनली यहां पे लाइन AB जो है वो बाइसेक्ट हो चुका है, इट मींस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और यहां पे एक रिलेशन हम यहां आसानी से लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का जो लेंथ है AE इज इक्वल टू राइट साइड का लेंथ हो जाएगा BE, और वो हाफ द लेंथ ऑफ AB हो जाएगा। तो ये हमने रिलेशन बना लिए। ये देखिए, हम स्केल से चेक कर रहे हैं, लेफ्ट साइड का लेंथ है AE जो कि है 5.5 सेंटीमीटर, और अब यही लेंथ हम राइट साइड में चेक करेंगे। देखिए, राइट साइड में भी लेंथ उतना ही है, 5.5 सेंटीमीटर। चलो इसको कंपास से चेक करेंगे। देखिए, कंपास ये हमने ले लिया है। देखिए, लेफ्ट साइड का ये जितना लेंथ है AE, ये हमने लेंथ कंपास में ले लिए, और यही लेंथ हमें राइट साइड में है कि नहीं चेक करना है। देखिए, राइट साइड में भी उतना ही लेंथ है BE। तो फाइनली दोनों लेंथ सेम है, इसका मतलब हमने लाइन AB को सक्सेसफुली बाइसेक्ट कर लिए, सक्सेसफुली उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। बिल्कुल इसी तरह से हमें ये कर्व को भी डिवाइड करना है। तो देखो, कर्व का जो भी आधा लेंथ होगा उससे ज्यादा लेंथ आपको कंपास में लेना है। कंपास में कितना लेंथ है आपको हमेशा ध्यान में रखना है, लेंथ आपको आधे से ज्यादा रखना है। और अब कंपास का सेंटर देखिए, कंपास का सेंटर एंड ए पे है, ऊपर नीचे हमने आर्क बना दिए, और अब वही लेंथ लेके हम कंपास का सेंटर बी पे रखेंगे। ऊपर नीचे आपने जो आर्क बनाए थे उसके ऊपर आपको कट करना है। तो देखिए, ऊपर और नीचे हमने कट कर दिए, ऊपर जो पॉइंट मिला वो है पॉइंट पी, नीचे जो पॉइंट मिला वो है पॉइंट क्यू, और ये दोनों P और Q को ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन। और जब आप लाइन से ज्वाइन किए हैं तो नीचे जो पॉइंट O है, देखिए नीचे जो पॉइंट O है जहां पे रख के आपने कंपास से जो कर्व बनाए थे वो O पॉइंट से वो लाइन पास हो रहा है, और ऊपर ये AB कर्व के ऊपर जहां कट रहा है वो है AE। लेफ्ट साइड का आर्क और राइट साइड का आर्क जो है बिल्कुल सेम है, दोनों का दोनों आप अगर आप चेक करेंगे दोनों आर्क सेम है। तो यहां पे हम रिलेशन लिख देंगे, आर्क AE इज इक्वल टू आर्क BE, ऐसा हमने यहां रिलेशन लिख दिए। चलो इसको चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग कंपास। तो ये देखिए, हमने कंपास ले लिए, कंपास में लेफ्ट साइड का जो आर्क है AE, इट मींस जो लेफ्ट साइड का कर्व है वो हमने ले लिए। ये देखिए, जितना AE है उतना ही राइट साइड में BE है क्या हम चेक करेंगे। तो देखिए, ये जो AE है वो उतना ही BE है। ये देखिए, ये हम चेक कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल सेम BE है। सो आर्क AE और आर्क BE बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका मतलब हमने यहां पे जो कर्व है उसको सक्सेसफुली बाइसेक्ट कर लिए, सक्सेसफुली उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। तो फाइनली आज के ड्राइंग टेक्निक में हमने स्टडी किए हाउ टू बाइसेक्ट अ स्ट्रेट लाइन एंड अ कर्व। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको अपने ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करके देखना चाहिए। इसके आने वाले वीडियोस में और भी नंबर ऑफ ड्राइंग टेक्निक्स आपके लिए लाएंगे ताकि आपका ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए,
अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।